वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी इको के ऊपर हैं। तो आज इसको लेके जाने वाले हम इलेक्ट्रिशियन और उसके मिस्त्री के दोनों के पास, क्योंकि इसमें दिक्कत आ चुकी है कई, क्योंकि इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जब स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में या कभी भी स्टार्ट करते हैं, तो एक तो इसकी बेल्ट आवाज़ कर रही है, क्योंकि दो बेल्ट होती है इसमें, एक इंजन की एक अल्टरनेटर की, दो बेल्ट होती है। तो पता नहीं कौन सी बेल्ट आवाज़ कर रही है। तो इसको पहले तो दिखाते हैं इसकी बेल्ट क्यों आवाज़ कर रही है, और दूसरा इसमें ना डिफेंसल में से आवाज़ आ रही है। तो गाड़ी जब बैक करते हैं तो इसके डिफेंसल से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तो डिफेंसल ये होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो वो बीच में हांडी होती है, जो रियल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं डिफेंसल। तो फ़िलहाल इसके डिफेंसल में आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी को, कि गाड़ी में कुछ स्टार्ट करने के बाद कैसी कुछ आवाज़ आ रही है। तो गाइस, इसकी की लगाते हैं हम और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, गाड़ी को कर लिया स्टार्ट और अभी आपको एक बार दिखाता हूं मैं, अगर आप ध्यान से सुन पाएंगे कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो गाड़ी अभी ठंडी है, तो एक बार बंद हो गई है। तो गाइस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी हाफ सल्प में स्टार्ट हो जाती है। तो अभी गाड़ी को पहले सीएनजी पे आने देते हैं, क्योंकि वो एकदम से सीएनजी पे आते ही डाउन मारती है। तो सीएनजी पे आ चुकी है गाड़ी। तो मैं एक बार आपको पहले इसका सेंटर लॉक ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर बैक हॉर्न में आपको सुनाई नहीं देगा। ये गाइस, अब मैं एक बार गाड़ी बैक करता हूं मैं और आपको। तो गाइस, ये कुछ आवाज़ है चुर चुर करके। तो गाइस, ये आवाज़ है अपनी गाड़ी में जो चुर चुर करके आती है बैक करने पे और आगे में भी आती है। तो गाइस, चलते हैं अभी दिखाते हैं इसकी दोनों चीज़ के क्या क्या कुछ आवाज़ है, कैसे कुछ नहीं। तो इसी के साथ आपको दिखाते हैं मिस्त्री के पास जाके कि कैसे कुछ इसमें डिफेंसल में काम होगा, कैसे कुछ इसका बेल्ट का काम होगा। तो गाइस, अपने घर से हम निकल चुके हैं फिलहाल। चलिए, हम आ चुके हैं भैया की शॉप पर। तो अभी इसमें काम चालू कर दिया है। तो जिस भैया पे हमने सर्विस कराई थी, मुस्कान मारुति वर्कशॉप के नाम से जिनकी शॉप है, उसी पे हम दोबारा आए हैं। तो फिलहाल भैया गाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं और सस्पेंस इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, डिफेंसल, उसे खोलने लग रहे हैं। तो गाइस, ये है अपना डिफेंसल जिसमें आवाज़ बनी हुई है। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ इलाज इसका होगा, क्या कुछ नहीं। और फिलहाल इसकी शीट भी जो है वो खोल दी गई है, क्योंकि इसकी जो बेल्ट है उसमें भी आवाज़ है। तो बेल्ट भी भैया भी टाइट करेंगे। ठीक है, डाल लो दो फिलहाल। एक साइड का ये सपड़ की कैन गटर खराब है इनकी का? अच्छा, हाँ, इससे में आवाज़ है। बस तो गाइस, फिलहाल हमारा क्रॉस जो है वो बेकार। अंकल, एक क्रॉस दे देना, एक को काफी लगा ही दे देना। और ना कितने का अंकल जी? 370। चल। तो गाइस, फिलहाल जो खोलने के बाद जो एक पता लगा है कि अपनी चौकड़ी जो है, जैसे चौकड़ी बोलते हैं देसी भाषा में, क्रॉस बोलते हैं, चौकड़ी बोलते हैं, वो अपनी हो चुकी ख़राब। तो अभी इसको डिफेंसल को ले जाया जा रहा है। तो इसमें चौकड़ी जो लगाते हैं वो अलग बंदा है लगाने वाला, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस होता है वही लगा सकता है। तो देखते हैं ये लगाने के बाद इसकी आवाज़ बंद होती है या नहीं होती है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
खराद हो देखा, खराद ना देखी हमने आज तक होती हुई, खराद किस तरह हो है। तो यहाँ पे हो रही है भैया स्विफ्ट के पिछले ड्रम की खराद, तो दिखाते हैं आपको कैसे कुछ खराद होती है। तो गाइस ये है वो मशीन जिसे खराद बोलते हैं, जो अपने जो प्लेट्स होती है उन्हें खराद करा देते हैं। तो गाइस फिलहाल इसको क्रॉस पर जो है खोलने की बारी आ चुकी है। अच्छा इसके अंदर होगा किधर? तो गाइस इसके अंदर हो चुके अपने क्रिस खत्म। तो गाइस ये है अपने पुराना क्रॉस जो बिल्कुल सूख गया है, ये आप देख लो तीन साइड का बिल्कुल ओके है, बट वन साइड में बिल्कुल जंग वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो यही अपना जो है आवाज कर रहा था। ये अंकल कुछ इसका गेज जो है वो नाप रहे हैं।
Thank you.
तो गाइस फाइनली चौकड़ी जो है वो लग चुकी है। और गाइस पहले वो जो था वो अपना बन नहीं रही था, चारों तरफ घूम नहीं रहा था, बट अब आपने देख लिया है चारों तरफ अच्छे से घूम रहा है, क्योंकि उसकी गाइस ये आवाज़ तकरीबन पानी में जाने की वजह से होती है। तो उसमें पानी वानी जाने की वजह से, और गाड़ी को भी गाइस 80,000 किलोमीटर चलने के बाद तो वैसे भी गाड़ी में ये पार्ट चेंज कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिलहाल आ चुके हैं शॉप पर, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। और भैया ने जो बेल्ट है वो टाइट कर दिए, तो अब इसको कैसे फिट करते हैं मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस फिलहाल गाड़ी में एक आवाज़ तो बंद हो गई है जो बैक कोने पर आती थी, बट अभी सीट बेल्ट की आवाज़ अभी जस्ट अभी बंद नहीं हुई है। तो सीट बेल्ट सॉरी जो इसके इंजन में जो बेल्ट है, तो उसको देखते हैं कि भैया बोल रहे हैं कि थोड़े दिन में अपने आप भी हो सकती है बंद, अभी टाइट की है तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट होने में उसको टाइम लगेगा। तो गाइस इसी के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आगे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। तो गाइस कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए कैसी कुछ कैमरे की क्वालिटी है अपने बैक कैमरे की।